Yeah.
देखा किस तरीके से ऑनर सम्मान मान सम्मान के साथ उन्होंने किया और उसमें गए थे, तो देखिए आज तक किसी मेरी तो मेंबरशिप है नहीं, और जितने भी लोगों को कसम देके पूछे कि उनकी मेंबरशिप है, जिस पार्टी में छह महीने रहने के बाद भी पता नहीं कि उनकी मेंबरशिप है कि नहीं, तो उसमें रहने का कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं, पार्टी है जो कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन है वो, तो इसलिए वहां तो कोई उनका सिस्टम तो है ही नहीं। आपके जाने के बाद और भी लोग जो है सोशल मीडिया पर जो है उनको लिए कुछ शब्द जो है वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि धोखा हुआ हमारे साथ और हमें जो सोच के गए थे वो चीजें नहीं है रियलिटी। मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई बहन है, मैं सभी को इधर ही लाऊंगा, सभी आ रहे हैं आपके साथ। ये भी आरोप लगाए कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल थे, इसलिए आपको बाहर किया गया। हां देखिए डेमोक्रेसी है, कहने का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग मेरे बारे में बेहतर जानते हैं, मुझे इसका जवाब देने की मुझे लगता है ज्यादा जरूरत नहीं। हर्षदेव सिंह जी ने कहा है कि मेरे छोटे भाई मेरे पार्टी में वापस आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे। इतिहास के पन्नों को दोहराने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है अभी। किस तरह का जवाब देना चाहोगे आप? मैंने कहा इतिहास के पन्नों को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, अभी नया दौर है, नई शुरुआत है,
नया रास्ता है। कितनी मजबूती मिलेगी भाजपा को अब जाने से, क्या लगता है? राम सेतु बन रहा था, गिलहरी को पूछा गया कि आप समुन्द्र में जाते हो और फिर रेत में आते हो, क्या कर रहे हैं? मेरी जो कैपेसिटी है मैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करूंगा, तो वही जो मेरा रोल जितना मेरा बनता है उस रोल के हिसाब से मैं भी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। सही तस्वीरें जो है वो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। और चले भी चलो जी। क्या कहेंगे आज अभी तौर पर अपने भाजपा आप यहाँ पर आए और सारे सीनियर नेताओं ने आपको यहाँ पर स्वागत किया है, क्या कहना? मैं सभी सीनियर नेताओं का यहाँ जम्मू के अंदर में उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिन्होंने आज हमें एक मान सम्मान और एक इज्जत दी है। और मैं तमाम उन साथियों का जो मेरे साथ मेरे भाई बहने हैं, मेरे नौजवान साथी जो आज सुबह से लगभग 10 बजे से वहाँ सतवारी में इंतजार कर रहे थे आज यहाँ पहुँचने का, और वो सारे साथी मेरे साथ जो ऑफिस तक आए हैं उनका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, तमाम मीडिया प्रेस मीडिया के साथियों का जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया है। तो मैं सभी को यह से ही कहना चाहता हूँ कि अभी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो हम योगदान दे सकें और इस संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत कर सकें, हम पूरा योगदान देंगे। ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है वो डरा धमकाकर जो है वो नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, वो पैसा देते भी हैं और डराती भी हैं नेताओं को ताकि वो भाजपा में शामिल हो। देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, जिनके साथ हुआ उनको हम हो सकते हैं। आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है ऐसा? देखिए मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, मुझे तो बहुत मान सम्मान, आपने दिल्ली के अंदर भी देखा किस मान सम्मान के साथ वहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग हुई है, तो ना तो हमें किसी का लालच दिया है और ना हमारे पर दबाव बनाया गया है, तो बाकी मुझे पता नहीं। मेहनत से काम करेंगे भाजपा में? बहुत मेहनत से, पूरी मेहनत से, पूरी मेहनत से काम करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। जी मैम कटिया साहब, आज आपका भाई स्वागत हुआ उसके बाद मेरा, मैं जो भी साथी आज इस स्वागत समारोह में पार्टी के सीनियर लीडर्स यहाँ मेरे साथ आए हो, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम अलग अलग यहाँ कठुआ से साथी आए हैं, जहाँ सांबा से आए हैं, जम्मू से हैं, पुंछ से आए हैं, रजौरी से साथी हैं, उधमपुर से हैं, रियासी से हैं, इसी तरह से मैं देख रहा था हमारे डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के मेरे साथी आए हैं। मैं तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस समारोह में शामिल हुए, और मैं उन सभी को यकीन दिलाता हूँ कि जिस उम्मीदों के साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम सारे मिलजुल के उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। कदर रखे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अभी थोड़े समय के अंतराल ही हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय तरुण चुग जी और प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी व माननीय अशोक गोल जी संगठन महामंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, फिर विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा।